बवाना हादसे में मारे गए 17 लोगों की मौत से दिल्ली के मेट्रो विहार में मातम पसरा है। मारे गए 17 लोगों में से 7 मृतक इसी कॉलोनी के रहने वाले थे। इनमें से 4 मृतक एक ही गली डी ब्लॉक के गली नंबर 6 के रहने वाले थे। बवाना हादसा पीड़ितों से अंबेडकर अस्पताल में जाकर मिले एलजी अनिल बैजल। घायलों का जाना हालचाल, कहा मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है, तय समय में की जाएगी जांच। बवाना हादसा डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के ट्वीट को लेकर कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालीवाल ने खुद ही अपनी सरकार पर सवाल उठाए, जिसके बाद इस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। बवाना हादसे में मेयर के कानाफूसी के वीडियो पर मचा बवाल। मनोज तिवारी ने गंदी राजनीति का लगाया आरोप, तो मेयर की सफाई हम अपने कार्यकर्ताओं से ले रहे थे जानकारी। बवाना फैक्ट्री हादसे में बड़ी लापरवाही हुई उजागर। गुलाल की लाइसेंस पर बनाए जा रहे थे पटाखे, फायर विभाग का भी नहीं मिला था एनओसी, फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लिया गया। बवाना में 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, दिल्ली सरकार ने झाड़ा पल्ला, कहा लाइसेंस देना एमसीडी का अधिकार, तो मनोज तिवारी ने कहा कि ये दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग का है हिस्सा। दिल्ली के बवाना में 3 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग से 17 लोगों की मौत, मरने वालों में 8 महिलाएं शामिल। एम्स के ट्रामा सेंटर में अलर्ट जारी, घायलों का हो रहा है इलाज। बवाना में 17 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, दिल्ली सरकार ने झाड़ा पल्ला, लाइसेंस देना एमसीडी का अधिकार, तो मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग का है हिस्सा। बवाना में 3 फैक्ट्रियों में लगी आग में 17 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने इस हादसे पर शोक जताया है। बवाना में मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को करना पड़ा विरोध का सामना, लगे हाय हाय के नारे। सीएम ने की मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। बवाना में देर रात मुख्यमंत्री केजरीवाल के पहुंचने से पहले जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, मेयर प्रीति अग्रवाल और सांसद उदित राज तक नजर आए, सभी ने एक सुर में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली में सीबीआई ने बार और क्लब मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध उगाही के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक बीजेपी का स्थानीय नेता भी शामिल है।